नल मिशन लाइब्रेरियन सो टूडेज टॉपिक इज स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मैथड विच इज गिवन बाई ऐसा रंगनाथन इसे हिंदी में कहेंगे वैज्ञानिक पद्धति के चक्री सिद्धांत जिसे किसने दिया है रंगनाथन ने दिया है सो स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मैथड का सबसे पहली बार जिक्र किस में हुआ था सो ऐसे रंगनाथन की बुक नाइनटीन थर्टी वन में पब्लिश हुई जिसका क्या नाम था फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जिसके सेकेंड एडिशन में जो कि कब आया था 1957 में इसमें एक चैप्टर जोड़ा गया एक चैप्टर इंक्लूड किया गया जिसका नाम दिया स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड'। स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मैथड सो स्पायर ऑफ साइंटिफिक मैथड क्या है कि कोई भी रिसर्चर है वो जब भी अपनी किसी भी समस्या का आ, समाधान के लिए कोई भी समस्या जो होगी उसकी किसी समस्या के ऊपर तो रिसर्च करेगा तो वो किन किन फेजों से गुजरेगा और वो किस प्रकार अपनी समस्या के समाधान तक आएगा तो वो एक चक्र एक फॉलो करेगा तो उस चक्र के ऊपर ही उन्होंने एक साइंटिफिक मैथड दिया है कि कोई भी रिसर्चर है वो उस मेथड को फॉलो करेगा और वो इन्हीं फेज से गुजरता हुआ कैसे जाएगा और फिर वो रिसर्च कैसे आगे बढ़ेगी आइए आगे समझते हैं सो so, रंगनाथन ने इस चक्र के लिए चार बिंदु चुने हैं वो चार बिंदु क्या है फर्स्ट नादिर सेकंड बिंदु क्या है हमारा असेंडेंट मीन्स आरोह थर्ड पॉइंट है हमारा जेनित और सबसे आखिरी पॉइंट है हमारा डिसेंडेंट मीन्स अवरोह सो so, ये चार बिंदु हैं, अब इनको फिर से डिवाइड किया गया है अलग अलग क्वाड्रेंट में सो so, नादिर से लेके जो असेंडेंट है इसको बोला गया है क्वाड्रेंट वन और फिर असेंडेंट से लेके जो जेनिथ तक है इसे बोला गया है क्वाड्रेंट टू अब ये जैनित से जब ये डिसेंडेंट आएगा तो ये हो जाएगा क्वाड्रेंट थर्ड और ये डिसेंडेंट से नादिर आएगा तो ये कहलाएगा क्वाड्रेंट फोर सो क्वेश्चन आता है नेट यूजीसी के आप क्वेश्चन पेपर प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए उनमें आया हुआ है इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कि नादिर से लेकर असेंडेंट जो जो क्वार्रेंट है उसे क्या बोलते हैं या असेंडेंट से जो जीनेद है उसे क्या बोलते हैं जीनेद से डिसेंडेंट तक का जो फेज है उसे क्वाड्रेंट को क्या कहते हैं और जो डिसेंडेंट से नादिर तक है उसे क्या कहते हैं उस फेज को क्या कहते हैं ठीक है और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जो स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड है उसका सबसे निचला बिंदु और सबसे शिखर बिंदु क्या है सो जो तो सबसे निचला बिंदु है वो है नादिर ओके okay. और सबसे शिखर पे क्या है ओके okay. अब बात करते हैं जो हमारा क्वाड्रेंट वन है उस फेस को क्या बोलेंगे उस फेस को बोलेंगे हम एम्पेरिकल लॉ फेस का नाम पूछ लेते हैं कि जो क्वाड्रेंट वन फेस है उसका नाम क्या है क्वाड्रेंट टू है उसका नाम क्या है सो हम बात एक एक करके सबकी बात करेंगे तो उसको बोलते हैं एम्पेरिकल लॉ इसमें क्या है कि हम कोई भी रिसर्च कहाँ से शुरू होती है जब तक तो कोई कोई समस्या नहीं होगी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे तो इंपेरिकल लॉ में क्या होता है समस्या समस्या का उद्भव हम किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे इस फेज में ठीक है इस यहाँ पे हमारी हम किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और हम डिसाइड करेंगे कि हम इस समस्या पे शोध करेंगे ठीक है तो ये हो गया समस्या का उद्भव या समस्या, समस्या का शोध समस्या का निर्धारण शोध समस्या का निर्धारण भी हम इसे कह सकते हैं ठीक है थीके? तो ये हो गया हमारा क्वारेंट वन फेज जो कि कहाँ से कहाँ तक था नादिर से असेंडेंट तक अब बात करते हैं सेकेंड फेज क्वाड्रेंट टू जो कि कहां से कहां तक है असाइडेंट टू जेनिथ इस फेज को क्या बोलते हैं हाइपोथेसिस ठीक है इसे हाइपोथेसिस बोलते हैं मीन्स हम क्या करते हैं कि जो भी हमने समस्या का निर्धारण किया है नीचे फर्स्ट फेज में हम उन समस्याओं के लिए ऊपर हम कल्पना करेंगे कि हम इन समस्याओं के लिए कोई कल्पना करके कि हम इसका निर्धार आगे शोध कैसे प्रोसीड करेंगे क्या क्या इसका निर्माण करेंगे उसके आगे की जो प्रक्रिया है उसका जो कल निर्माण होगा कल्पना के थ्रू तो वो इस वाले में आ जाएगा कल्पना किसकी कल्पना किसकी की जाएगी आगे प्रक्रिया की मतलब कि जो जो हमारी समस्या है उसका निर्धारण मतलब उसकी उसे रिजल्ट लाने के लिए उसे सोल्यूशन लाने के जो जो हमें प्रोसेस फॉलो करना है तो यहां पे हम उसकी प्लानिंग करेंगे आगे प्रक्रिया की प्लानिंग हम कौन कौन से टेक्निक को फॉलो करेंगे कौन कौन से टूल्स अप्लाई करेंगे तो वो सब हमारे आ जाएंगे हाइपोथेसिस में ओके अब बात करते हैं क्वारन थर्ड की जो कि क्या है जेनिस से है ठीक है तो इसको क्या बोलते हैं यहां पे आ जाएगा इसे बोलते हैं फंडामेंटल लॉज क्वेश्चन आ जाता है कि इस फेस को क्या बोलते हैं कभी कभी आपसे ये नहीं पूछेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है बस आपसे नाम पूछ ले जाएंगे जो कॉर्डन थर्ड फेज है उसका नाम क्या है जैसे फर्स्ट का नाम क्या था इंपेरिकल लॉ सेकेंड का क्या नाम था हाइपोथेसिस ऐसे थर्ड का क्या नाम है फंडामेंटल लॉज फंडामेंटल लॉस में क्या होगा कि जो भी हमने यहाँ पे सेकेंड फेज में हमने जो आ, आ, मतलब कि सेलेक्ट किए हैं टूल्स यहां पे क्या है हम उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे जो भी हमने सेकेंड फेज में टूल सेलेक्ट किए हैं टेक्निक सेलेक्ट किए हैं अपने प्रॉब्लम पे अप्लाई करने के लिए यहां पे हम उसे इम्प्लीमेंट कर देंगे थर्ड प्रोसेस में ओके अब बात करते हैं क्वाड्रेंट फोर क्वाड्रेंट फोर में क्या है अब हम अपने यहाँ पे हम अपनी समस्या का ठोस रिजल्ट देंगे कि हमने इन सब चीजों को अपने टूल्स को सिलेक्ट करके फिर उनको इम्प्लीमेंट करके हमने क्या रिजल्ट निकाला है क्या सोल्यूशन निकाला है वो आ जाएगा हमारा क्वार्टन फोर में क्वार्टेंट फोर को क्या बोलेंगे वेरिफिकेशन फेज वेरिफिकेशन फेज सो so, आप यहाँ से समझ सकते हो मैंने आपको क्या बताया था चार बिंदुओं में से डिवाइड किया है नादिर असेंडेंट जेनित एंड डिसेंडेंट फर्स्ट फेज है हमारा इंपेरिकल लॉज सेकेंड फेज है हमारा हाइपोथेसिस एंड थर्ड फेज है हमारा फंडामेंटल लॉज और फोर्थ फेज है हमारा वेरिफिकेशन फेज ओके ये चार है मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कैसे कैसे आपका रिसर्च के जो प्रोसेस है कैसे कैसे रिजल्ट तक आएगा ओके okay? अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो कि रंगनाथन ने कही है कि कोई भी प्रोसेस होगा वो यहाँ से होगा मतलब हम किसी समस्या को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें किस समस्या को पे काम करना है क्या समस्या क्या है आखिर ठीक है सो समस्या यहां से स्टार्ट होगी अपने ऊपर तक बिंदु तक जाएगी फिर नीचे आएगी और फिर ये फिर यहां से फिर कोई और हो आएगा जो यहाँ से फिर से इसे यहाँ से शुरू करेगा फिर ये ऊपर जाएगी फिर ऐसे प्रोसेस नीचे आएगा फिर यहाँ पे अपने वो किसी सॉल्यूशन पे आ जाएगा फिर कोई आएगा जो यहाँ से फिर से उसे इस बिंदु के नए सिरे से फिर से उसे शुरुआत करेगा और ऐसे ये रिसर्च मतलब होता क्या है कि अगेन एंड अगेन किसी प्रॉब्लम पे साइंटिफिक वे में काम करना उस पर एक उसका सोल्यूशन निकालना सो ये ऐसी प्रक्रिया चलती जाएगी और इसलिए रंगनाथन ने इसे खुला छोड़ा है इसके एंड को क्योंकि रिसर्च कभी भी ख़त्म नहीं होगी कभी भी यहाँ पे आके कोई रिसर्च ख़त्म नहीं होगी कोई ना कोई एक नया इंसान आएगा जहाँ से उसकी शुरुआत करेगा अब किसी भी कोई भी पॉइंट है लाइक एनर्जी है एनर्जी पे लोग काम करते हैं पहले कोई और उसका फेस था आप धीरे धीरे इम्प्रोवाइज़ करते हैं उस चीज़ को कैसे इंप्रोवाइज करते हैं रिसर्च करके नए नए लोग रिसर्च करते हैं अभी जो रिसर्च चल रही हैं आगे जाके उन चीज़ों पर रिसर्च होंगी सो so, इसलिए इसका जो एंड है वो इस चीज़ को शो करता है कि जो रिसर्च है वो कभी एक डेफिनेट पॉइंट पे आके नहीं रुकती है वो हमेशा पढ़ती रहती है आगे चलती रहती है लोग उस पर नई तरीके से वर्क करते हैं उनमें और प्रॉब्लम्स देखते हैं आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उन पर रिसर्च करते हैं ठीक है आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा मैंने बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की है आई uh, होप आपको बहुत ही क्लियरली आपको माइंड में स्टिक किया होगा सो so, अगर आपको कैसी लगी वीडियो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस